शिबू भाई का एक्सीडेंट हुआ है कावासाकी निंजा ZX-10R पे। अगर 200,000 लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचता है तो 200,000 लोग अगर सिर्फ 1 रुपये करके डोनेट करते हैं, फिर भी भाई के पास 200,000 रुपये का डोनेशन जमा हो जाएगा। 177.4 सीसी की सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल के साथ लेडीज फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, ओपन चेन। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकनाथन, यू आर वाचिंग ब्लॉगिंग विद ओएन। आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं TVS के शोरूम पे और आज वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं TVS Apache RTR 182V के बारे में। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, आप सभी को शायद पता होगा रिसेंटली शिबू भाई का एक्सीडेंट हुआ है कावासाकी निंजा ZX-10R पे। फिलहाल वो अभी हॉस्पिटल में है, भाई का हाथ का बोन टूटा है और पैर का एंगल पे भी बहुत ज्यादा चोट आया हुआ है और 6 मंथ का बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर का कहना है। अभी तो आप सभी का दुआ और ऊपर वाले की रहमत ही भाई को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकता है। और अगर आप में से कोई भी भाई की फाइनेंशियली मदद करना चाहता है तो मैं भाई की चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर रिसेंट वीडियो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। मुझे पता है आज के इस कोविड के सिचुएशन में कोई भी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, फिर भी अगर आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 1 रुपये करके डोनेट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर 200,000 लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचता है तो 200,000 लोग अगर सिर्फ 1 रुपये करके डोनेट करते हैं, फिर भी भाई के पास 200,000 रुपए का डोनेशन जमा हो जाएगा। लो, बात करते करते हम TVS शोरूम तक पहुंच गए, तो बाकी बात अंदर जाके करते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू द करण ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। तो अगर आपको भी ये बाइक देखनी है या फिर TVS का कोई और बाइक देखनी है तो शोरूम का पूरा डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो फटाफट से कॉल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड देन गो टू द शोरूम। नाउ हैव अ लुक। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट आपको LED DRL के साथ हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है और उसी के साथ आपको हेलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो बाइक में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर की बात करें तो बाइक में आपको 90x90 सेक्शन की 17 इंचेस वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है और उसी के साथ 270mm की डिस्क और ABS भी देखने को मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द हार्ट ऑफ दिस बाइक, आपको 177.4 सीसी की सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड VS6 कंप्लायंट इंजन देखने को मिल जाती है, जो आपको 16.79 PS की मैक्सिमम पावर और 15.5 Nm की मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके दे सकती है। गियरबॉक्स की बात करें तो बाइक में आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो 1 डाउन और 4 आप में वर्क करता है। वैसे टॉप स्पीड की बात करूं तो Apache RTR 182V में आपको 127 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 2.5 लीटर की रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो बाइक में आपको 40 से लेकर 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो बाइक में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑटोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गॉज और टाइम देखने को मिल जाता है। उसी के साथ इंजन मालफंक्शन, लो फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, न्यूट्रल और ABS इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है। हैंडल बार की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार में आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है और उसी के साथ राइट हैंडल बार में आपको इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो बाइक में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है और उसी के साथ आपको क्रोम फिनिश्ड एग्जॉस्ट गार्ड भी देखने को मिल जाता है। और अगर एग्जॉस्ट साउंड की बात करें तो आप खुद ही सुन लो।
बाइक के रियर में आपको एलईडी टेल लैंप के साथ हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। उसी के साथ लेडीज फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड, ओपन चेन और बॉक्स टाइप स्विंग गम के साथ डबल स्टैंड भी देखने को मिल जाता है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो बाइक में आपको मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक्स विद स्प्रिंग एज सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। रियर टायर की बात करें तो आपको 100/80 सेक्शन की 17 इंचेस वाला ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है और उसी के साथ आपको 200mm की डिस्क प्लेट भी देखने को मिल जाती है। सीट हाइट की बात करें तो अपाचे RTR 182V में आपको 790mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो अगर आपकी हाइट 4.8 से ऊपर है तो आप अपाचे RTR 182V आसानी से चला सकते हो। सीट कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक में आपको काफी अच्छी खासी सीट कुशनिंग देखने को मिल जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाते हैं और पिलियन के लिए आपको पिलियन ग्रैब रील्स भी देखने को मिल जाती है। और तो और बाइक में आपको 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 140mm की कर्व वेट देखने को मिल जाती है। बाइक की कलर की बात करें तो TVS Apache RTR 182V में आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, मैटी ब्लू, पीरल व्हाइट, टी ग्रे और ग्लॉसी ब्लैक। प्राइसिंग की बात करें तो Apache RTR 182V आपको 1,08,270 रुपीस की एक्स शोरूम और 1,29,210 रुपीस की ऑन रोड प्राइस में देखने को मिल जाती है। ये थी TVS Apache RTR 182V का फुल डिटेल रिव्यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। दिस इज ओमकर नाथ साइनिंग ऑफ।